आज हम सीखेंगे बाकू सप्लाई। एक्चुअली क्या बाकू का काम होता है कि सेट को, अगर बैटरी नहीं है तो सेट को चालू करना। सबसे पहले हम बाकू को वोल्टेज वाली रेंज में 4 पॉइंट या 4.2, 4.5 तक या 3.7 से 4.5 तक सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब सेट को सिर्फ चालू करने के लिए ज़्यादातर हम उपयोग करते हैं। एक्चुअली किसी भी सेट की हमारे पास अगर बैटरी नहीं है तो हम इस बाकू के प्लस और माइनस सिरे को बैटरी की जगह पर लगाकर चेक कर सकते हैं। किसी किसी सेट में इसका जो माइनस सिरा होता है उसको माइनस और एस सिरे को कंबाइंड में और प्लस को रखते हैं, लगाते हैं। जब लगाएंगे और ऑन ऑफ देंगे तो आपका जो बाकू में जो करंट का रीडिंग है वो आगे बढ़ने लगेगा। जैसे कि जी देखिए बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका सेट बूट ले रहा है और चालू हो चुका है। इससे हमें जी पता चल जाता है कि सेट चालू है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, सॉफ्टवेयर का भी पता चल जाता है हमारा वो कैसे। इसमें क्या होता है, जब हम सेट को चालू करते हैं, चालू करने पर बूट ले रहा है 10 तक बूट ले रहा है और ऑन ऑफ छोड़ने पर भी वापस 0000 आ रहा है। इसका मतलब जी बूट तो ले रहा है लेकिन सेट को उठ नहीं रहा है। तो इसका मतलब एक बार हम सॉफ्टवेयर से भी चेक कर सकते हैं। इससे हमारा एक फ़ायदा और भी है, अगर सेट में शॉर्टिंग होती है किसी भी प्लेट में या किसी भी पीसीबी में शॉर्टिंग होती है और वो शॉर्टिंग हमको मालूम नहीं है कि कौन से पार्ट से आ रही है, तो इससे हमें थोड़ा सहूलियत हो जाती है। जैसे कि हम प्लस को प्लस में लगाएंगे और माइनस को माइनस में लगाएंगे तो जी बता देगी, हल्की हल्की हीट होने लगेगी। जो भी पार्ट्स इसकी शॉर्टिंग होगी उस पार्ट्स हल्की हल्की हीट होने लगेगी। तो इससे हमें थोड़ा और चेक करने से सहयोग मिल जाता है। अगर पावर आईसी हीट होगी तो पावर आईसी शॉर्ट होगी तो पावर आईसी हीट है, पीएफओ शॉर्ट होगा तो पीएफओ हीट है, चार्जिंग आईसी हीट हो रही है तो चार्जिंग आईसी शॉर्ट है। इस तरीके से हम बाकू का उपयोग कर सकते हैं। कोई कोई सेट बाकू से नहीं उठता तो आप उसको बैटरी से ही चेक करेंगे। इस तरीके से हम बाकू का उपयोग करेंगे। दूसरा है हमारा बूस्टर। बूस्टर एक्चुअली क्या है, बैटरी को उठाने के लिए काम करता है। बैटरी का मतलब होता है, अगर हमारी बैटरी वोल्टेज कम बता रही है, 3.7 से कम बता रही है, तो इसको हम झटका लगा सकते हैं, इसको झटका भी कह सकते हैं। और झटका लगाने के लिए माइनस को इसमें और प्लस को इसमें लगाएंगे और 15 से 20 मिनट 5 मिनट करके रख दीजिए तो वो बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है। बूस्टर को आप फुल 12 तक रख लीजिए तो बैटरी चार्ज करने का काम करती है बैटरी जी वॉल्यूम है। और वॉल्यूम से आप पूरा 12 तक पॉइंट तक 12 वोल्टेज तक आप रख लीजिए जी। बूस्टर का जी ऑन ऑफ है, इस तरीके से जी ऑन ऑफ हो गया जी, बंद हो जाएगा और उसके बाद जी चालू हो गया। तो बूस्टर से भी बैटरी उठाने का काम करता है, जबकि बाकू आपका मोबाइल को चालू करने का और बहुत से सहयोग, बहुत सा फॉल्ट बनाने के लिए काम करता है। जैसे कि ऑन ऑफ स्विच, अगर बूट नहीं ले रहा है, ऑन ऑफ स्विच खराब है नहीं खराब है वो बाकू से ही पता चल जाएगा। सेट बूट ले रहा है नहीं ले रहा है, सेट चालू हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरीके से हम बाकू से चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बाकू और झटका का यूज करेंगे।